नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम प्रसाद और आज बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो खुलेआम धमकी देता था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। आज बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। बाल ठाकरे का बचपन का नाम था बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे में बदल गया। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिक तो बाद में बने, सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में ये नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में भी कहा था कि ये देश के लिए कैंसर की तरह है और ये कैंसर देश में फैल रहा है और देश को इससे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात और थी कि वह कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे। जिन्हें मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी शख्सियत उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री जाती थी। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बियर पीने और उनसे मिलने के लिए घर जाते थे, जैसे नरेंद्र मोदी और माइकल जैक्सन। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीज़ों की खुलकर तारीफ करते थे, एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बात सन 1990 के आसपास की है। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने के लिए धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा वह वापस कभी नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान जारी किया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से ही जाती हैं। देखते हैं यहां से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत में जब पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि सुना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यदि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो यह गर्व की बात है। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक भी थे, सिगार, वाइट वाइन, ETC। ज़्यादातर महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे ने जो मुकाम हासिल किया था, मुश्किल है वो किसी ने अभी तक किया हो। 23 जनवरी 1926 को जन्मे बाला साहेब ने राजनीति को एक नई दिशा दी थी। 17 नवंबर 2012 को उनका निधन हुआ था। आज़ादी के दो दशक बाद की युवा पीढ़ी के लिए परिस्थिति बहुत ही बदल गई थी। उनकी प्राथमिकताओं और महत्वाकांक्षाओं में बड़ा बदलाव आ गया था। उनके लिए राष्ट्रवादी आंदोलन इतिहास बन चुका था। राष्ट्र निर्माण की जगह अब खुद के लिए नौकरी की चिंता ले ली थी। इस पीढ़ी में ज़्यादातर युवा शहरों में रहने वाले थे और शिक्षित थे, पर उनके पास काम ही नहीं था। लेकिन उन दिनों की राजनीतिक पार्टियों को यह सुध नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस वंशवाद की राजनीति में लग गई थी। शहरी क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी पार्टियां वामपंथी पार्टियां हुआ करती थी। छाती ठोककर हिंदुत्व का समर्थन करने वाले राजनेता, लगभग 46 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कभी ना तो कोई चुनाव लड़ा और ना ही कोई राजनीतिक पद स्वीकार किया। यहां तक कि उन्हें विधिवत रूप से कभी शिवसेना का अध्यक्ष भी नहीं चुना गया। लेकिन इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर इसकी राजधानी मुंबई में इनका खासा प्रभाव था। उनका राजनीतिक सफर भी बड़ा अनोखा था। वो एक पेशेवर कार्टूनिस्ट थे और शहर के एक अखबार फ्री प्रेस जर्नल में काम किया करते थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का निर्माण किया और मराठी मानुष का मुद्दा उठाया। उस वक्त नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे का दावा था कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरी छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तहजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। मुंबई को उस वक्त बंबई कहा जाता था। मुंबई स्थित कंपनियों को उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल उनका ये अभियान मुंबई में रह रहे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ था, क्योंकि शिवसेना के अनुसार जो नौकरियां मराठियों को मिल सकती थीं या मिलनी चाहिए उन पर दक्षिण भारतीयों का कब्जा था। बाल ठाकरे का तर्क था कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें नौकरी किसी भी कीमत पर मिलनी ही चाहिए। इस मुद्दे को मराठियों ने आड़े हाथ लिया। शिवसेना पर राजनीति में हिंसा और भय के इस्तेमाल का आरोप बार बार लगता रहा है, लेकिन बाल ठाकरे का कहना था कि मैं राजनीति में हिंसा और बल का प्रयोग करूंगा, क्योंकि वामपंथियों को यही भाषा समझ आती है और कुछ लोगों को हिंसा का डर दिखाना जरूरी है, तभी वो सबक लेंगे। दक्षिण भारतीयों के व्यवसाय संपत्ति को निशाना बनाया गया और धीरे धीरे मराठी युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना 17वीं सदी के एक जाने माने मराठा राजा शिवाजी के नाम पर रखा था। शिवाजी मुगलों के खिलाफ थे। बाल ठाकरे ने
जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी का संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, आप्रवासियों और यहां तक कि मीडिया कर्मियों पर भी शिवसेना के हमले आम हो गए। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे, लोगों को नौकरियां दिलवाने लगे और उन्होंने उनके आदेश हर जगह चलने लगे। हर मामले में उनकी राय ली जाए, यहां तक कि फिल्म रिलीज में भी उनकी मनमानी चलने लगी। धीरे धीरे बड़ी ताकत बाल ठाकरे के जीवन से जुड़ी कई कल्पित कहानियां प्रचलित होने लगीं। कहा जाता है कि वो जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर के प्रशंसक थे। एक पत्रिका में उनके हवाले से एक खबर दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन किया था। धीरे धीरे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने लगा, लेकिन अभी भी पार्टी को बड़ी राजनीतिक कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। शिवसेना का प्रभाव मुंबई और इसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित था और राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। बाल ठाकरे 80 और 90 के दशक में तेजी से उभरे, क्योंकि उस समय हिंदुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था और ठाकरे कट्टर हिंदू समाज क्षेत्रवाद से हिंदुत्व की ओर। बाला साहेब की राजनीति क्षेत्रवाद से शुरू होकर हिंदुत्व पर पहुंच गई थी। शुरू में उन्होंने महाराष्ट्र से दक्षिण के लोगों को भगाने का आंदोलन चलाया था। इसके बाद उन्होंने पुंगी बचाओ लुंगी भगाओ नारा दिया। इनकी पार्टी शिवसेना ने मराठियों को रोजगार दिलाने के लिए आंदोलन किए। जब दक्षिण के लोग मराठियों के लिए समस्या बन रहे थे तब आंदोलन चलाए। फिर बाला साहेब की राजनीति हिंदुत्व की ओर मूर्ति चली गई। मुंबई दंगों में शिवसेना की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। इमरजेंसी के समर्थक आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया, सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों को जेल में ठूंसा गया, यानी किसी भी तरह से आपातकाल को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बाला साहेब ने आपातकाल का समर्थन करके सबको चौंका दिया था। एक वाक्य सचिन के साथ हुआ था। वैसे सचिन तेंदुलकर को बाला साहेब काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन एक बार सचिन पर भड़क गए। हुआ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन से पूछा गया कि क्या मुंबई मराठियों की है। इस पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुंबई सभी की है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूं, फिर मराठी। सचिन के इस बयान पर बाला साहेब भड़क गए और सचिन को राजनीति की जगह खेल पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। सानिया मिर्जा पर खफाते बाला साहेब। जब सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक से हुई थी तो बाला साहेब काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने उस समय कहा था कि सानिया अपने खेल के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपने चुस्त कपड़े, फैशन और प्रेम प्रसंग के कारण चर्चा में है। उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। थम गई थी मुंबई 7 नवंबर 2012 को। जैसे ही उनके निधन की खबरें आईं, मुंबई थम सी गई थी। दुकान और कारखाने बंद हो गए थे। चाय की दुकानों से लेकर बड़े बड़े कारखाने बंद कर दिए गए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा था। उनके बांद्रा स्थित घर मातुश्री से शिवाजी पार्क की सड़क पर उनकी अंतिम झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। उनकी अंतिम यात्रा भी अपने आप में रिकॉर्ड बन गई। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दी जाती है। साल 1920 में गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार के बाद मुंबई का यह पहला अंतिम संस्कार था जिसे राजकीय सम्मान दिया गया हो। दुनिया की कुछ महान हस्तियां हुई हैं जिनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए हों। हाल में के इतिहास में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा करीब 30 लाख लोग प्रिंस डायना की शव यात्रा में शामिल हुए थे। बाला साहेब की शव यात्रा में करीब 10 लाख लोगों का हुजूम उमड़ा था और शव यात्रा करीब 2 किलोमीटर तक फैली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ही प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहे। शुक्रिया देखने के लिए।